जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में अवध विश्वविद्यालय से जुड़ी एक खबर को देखेंगे, जहां पे अवध विश्वविद्यालय ने पीएचडी में प्रवेश परीक्षा की दिनांक 4 जून को निर्धारित करी है। तिथि यानी कि 4 जून को अवध विश्वविद्यालय की पीएचडी की प्रवेश परीक्षाएं होंगी। हम अवध विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पे भी इस डेट को देखेंगे, इस खबर को देखेंगे, और साथ ही साथ हम यहाँ भी देखेंगे कि अवध विश्वविद्यालय के से संबंधित क्या खबर है। पीएचडी प्रवेश परीक्षा 4 जून को कराई जा रही है, इससे संबंधित क्या खबरें हैं, सब चीज़ पे डिस्कस किया जाएगा। तो स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में, और आगे देखते हैं कि क्या खबर है पीएचडी से जुड़े हुए, अवध विश्वविद्यालय से जुड़े हुए बच्चों के लिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा 4 जून 2023 प्रातः 10 से 12 बजे होगी। ठीक है, 10 से 12 बजे होगी। विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में परीक्षा के सकुशल संपन्न कराने के लिए 6 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इन केंद्रों पर 37 विषयों में 1767 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, मतलब 1767 विद्यार्थी जो हैं पेपर्स को देंगे, उतने क्या है निर्धारित किए गए हैं, उतने बच्चों ने अप्लाई किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल जी के निर्देश पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पीएचडी प्रवेश परीक्षा को लेकर तैयारी अंतिम रूप देना शुरू कर दिया गया है। इसके लिए 6 केंद्राध्यक्ष के साथ 9 प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पीएचडी प्रवेश के समन्वय प्रोफेसर फारूक जमाल ने बताया कि प्रवेश परीक्षा की तैयारी अंतिम दौर में है, मतलब सारी चीज़ें रेडी हैं, एवरीथिंग इज़ कंप्लीटेड। बस क्या करना है आपको, 4 जून को एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराना है। एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराना है किसका, पीएचडी करना। अपने आप में एक बड़ी गर्व की बात है, सम्मान की बात है। मेरा तो सपना है कि पीएचडी तक जाऊँ, लेकिन उससे पहले मास्टर्स और ग्रेजुएशन की अच्छी नॉलेज ले लूँ, उसके बाद पीएचडी तक जाऊँ। तो जी हाँ, 4 जून को अपना विश्वविद्यालय पीएचडी के प्रवेश परीक्षा एग्जाम्स कराएगा। आगे की खबरें देख लेते हैं कि विश्वविद्यालय में 6 परीक्षा केंद्र, जिसमें अर्थशास्त्र एवं ग्रामीण विकास, भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, गणित एवं सांख्यिकी विभाग, शिक्षा संकाय विभाग, पिछता भवन, दीक्षा भवन, 37 विषयों में प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी, जिसमें कुल, फिर से वही बात रिपीट की गई कि 1767, मतलब 1767 टोटल कैंडिडेट हैं जो इसके लिए एग्जाम्स देंगे। एग्जाम्स की समय 10 बजे से लेके 12 बजे तक रखी गई है। क्या आप में से कोई पीएचडी का एग्जाम देने जा रहा है, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आपको यहाँ पे एडमिशन्स मिले, और बहुत ही अच्छी बात है, पीएचडी करना मतलब एक सीरियसली यार पीएचडी। चलिए, इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन केंद्राध्यक्ष एवं प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं। अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए विश्वविद्यालय की साइट पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें। परीक्षा के दिन प्रवेश पत्र के साथ एवं पहचान पत्र पास रखना होगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को 1 घंटा पूर्व निर्धारित केंद्र पर पहुंचना होगा। तो दोस्तों, ये खबर थी अवध विश्वविद्यालय से जुड़े बच्चों के लिए कि आपके एडमिट कार्ड यहाँ पे रिलीज कर दिए गए हैं, और 4 तारीख का डेट आपके लिए निर्धारित किया गया है। 4 जून को आपको पेपर होना है पीएचडी प्रवेश परीक्षा। चलिए, कुछ और पॉइंट्स को यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अवध विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर अगर आप आएंगे तो यहाँ भी आप पाएंगे कि आपके पीएचडी के लिए एडमिट कार्ड यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। तो जिन बच्चों को पीएचडी के लिए एडमिट कार्ड देना हो, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, फिर यहाँ से आपको आपका पीएचडी का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा, बाकी के सारे इंस्ट्रक्शंस के साथ। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लें कि आधिकारिक वेबसाइट पे भी ये चीज़ें अपडेट कर दी गई हैं कि आपका एग्ज़ाम्स, आपको देखिए ये सारे एडवर्टाइजमेंट आई थी। एग्ज़ाम्स की अगर हम बात कर लें तो एग्ज़ाम देखिए 4 जून 2023 यहाँ पे निर्धारित किया गया है। अब आगे के डेट्स की बात करें, डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट, रिटन टेस्ट का कब रिजल्ट आएगा, 20 जून को इसका रिजल्ट निर्धारित होगा। लास्ट डेट ऑफ कम्प्लीटिंग इंटरव्यू वाइवा वकैब, तो यहाँ पे 30 जुलाई को यहाँ पे लास्ट डेट रखा गया, जब आपका इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी जाएगी। फाइनल रिजल्ट आपका 10 अगस्त 2023 तक निर्धारित कर दिया जाएगा। और आपके जो कोर्सेज हैं वह यहाँ पे, फीस डिपॉजिट की बात करें, फीस डिपॉजिट 15 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा, और लास्ट डेट कोर्स फॉर द वर्क फॉर सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आपके यहाँ पे कोर्सेज यहाँ पे शुरू कर दी जाएंगी। यानी कि संभवतः 30 अगस्त को यहाँ पे लास्ट डेट रखा गया आपके फीस से संबंधित कोई अगर समस्या हो तो इसके बारे में। ठीक है, तो दोस्तों ये खबर थी पीएचडी से जुड़े हुए। बाकी अवध विश्वविद्यालय से जुड़े तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ सकते हैं आप। जितने भी खबरें आएंगी अवध विश्वविद्यालय संबंधित आपको यहाँ पे सूचित किया जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी करिए, बहुत आगे जाइए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।